हेलो बेटे, कैसे हो? सही बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। तो मुझे लगता है कि आप सही बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। डिफरेंट प्लांट्स दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट वेज। तो आप जान चुके हैं कि बहुत सारे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड। बहुत सारा आपने एग्जाम्पल देख लिया है और उसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर लिए हैं कि बहुत सारे जो हमारा मोस्टली आप कहिए कि हर प्लांट होता है, बहुत सारे क्लाइंबर है, क्रीपर है, तो दे कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड। यस, तो बहुत सारे हमारे पौधा है जो रिप्रोड्यूस करता है, पेड़ ही कर सकते हैं, जो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड वेज, रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पौधों के बारे में जो विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ सीड दे कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ सीड। मतलब आप समझ गए होंगे कि अब हम कुछ और पौधा के बारे में बात करेंगे जो बिना सीड के। इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट कि सम फ्रूट्स दे हैव नॉट सीड, लाइक बनाना, लाइक सम वेराइटी ऑफ ग्रेप्स, दे हैव नो सीड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर उस फ्रूट में सीड होता ही नहीं है तो उसका पौधा रिप्रोड्यूस कैसे करेगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जैसे बहुत सिंपल तुम कह सकते हो कि अब इसके पास सीड नहीं है, तो सीड नहीं है तो ये नया पौधा कैसे उत्पन्न होगा, कैसे करेगा, रिप्रोड्यूस कैसे करेगा। तो इसके लिए जो अभी का टॉपिक है उसकी मदद से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यह कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो हियर वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यस, तो अलग अलग तरह के पौधा अलग अलग पार्ट, पौधा के अलग अलग भाग से वो रिप्रोड्यूस करता है। ये कॉमन है, सिंपल है, आप अपने घर में आस पड़ोस में भी देखते होंगे, सुनते होंगे। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप लो रोज का, सबके घर आंगन में लगा होगा गुलाब का फूल। तो देखते होंगे कि बरसात के दिनों में, कि सपोज करो कि अगर व्हाइट रोज है किसी के यहाँ, किसी के यहाँ रेड रोज है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरे जगह या कोई अन्य पड़ोसी आपसे चाहता हो कि ये सेम कलर का रोज मेरे यहाँ भी हो, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर प्लांट नहीं चाहिए, बस वहां से एक स्टेम कटिंग हम करते हैं और उसको कुछ दिन मिट्टी में लगा दिए, प्रॉपर उसका केयर करते हैं और कुछ दिन के बाद वहां रूट आ जाता है। दैट मींस कि वो रिप्रोड्यूस हो गया, मींस कि वो ग्रो हो गया नया पौधा में। यस, तो दैट मींस कि ये रोज प्लांट जो है, रोज प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग ऑफ स्टेम। यहाँ उसको सीड नहीं चाहिए। मैं अभी जस्ट बात कर रही थी कि हमारा जो अभी का टॉपिक है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड, यहाँ रिप्रोडक्शन की बात होगी जिसमें कोई सीड की बात नहीं होगी। यस, तो रोज रोज इज द सिंपल कॉमन एग्जाम्पल एंड दे कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लाइक अदर एग्जाम्पल लाइक चाइना रोज, जिसको हम लोग घर में कहते हैं उड़हुल का फूल। सबके घर आंगन आस पड़ोस में आप देखते होंगे, अभी उसका सीजन है उड़हुल का, सुंदर लाल कई कलरों में वो आता है। मन करता है तो बहुत आसानी से, बहुत इजियर होता है कि उसके कोई एक स्टेम को आप काटिए और उसको मिट्टी में गाड़िए और कुछ दिन उसका हम प्रॉपर केयर करें और वो नया प्लांट ग्रोथ हो जाता है। तो दैट मीन कि यह रिप्रोड्यूस करता है, दिस टाइप ऑफ प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कटिंग ऑफ स्टेम। तो सम प्लांट मीन्स सम प्लांट
they can reproduce with the help of cutting of stem. And some other examples, like some plants, they can also reproduce with the help of cutting of root, like dahlia. आप अपने स्कूल ग्राउंड में आपको याद होगा कि वो विंटर फ्लावर है डालिया, बड़ा बड़ा सुंदर सा फूल आपके स्कूल गार्डन में है, और वहां वहां उसको क्या कीजिए, उसका रूट लीजिए और नया रूट लगा दीजिए तो नया प्लांट ग्रोथ हो जाएगा. आप नाम सुने होंगे स्वीट पोटैटो, शकरकंद कहते हैं हम लोग घर में, उसको अलुआ भी कहते हैं, मीठा आलू. हाँ, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में उसको हम लोग अलुआ के नाम से भी जानते हैं, वो मीठा मीठा होता है. तो ये पौधा ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ कटिंग ऑफ रूट्स. रूट को कटिंग करो और उससे नया पौधा ग्रो कर जाता है. तो मींस कि डिफरेंट प्लांट्स दे कैन रिप्रोड्यूस विथ अदर पार्ट्स, अदर एक पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Yes, so some plants they can reproduce with the help of cutting of a stem, like China rose, like mehndi, etc. And some plants they can reproduce with the help of roots, cutting of root, like dahlia, like sweet potato, and some other examples are also. They can reproduce with the help of root. Yes, and next is, yes, like sugarcane का अपना ईख, छठ के दिनों में हम लोग उस समय उसके आसपास में हम लोग ईख खाते हैं. तो ईख जो है, ईख ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है. कैसे? उसके स्टेम में आप जब ईख खाते होगे बेटा तो बीच में नोड्स आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो वहां क्या है, नोड्स है, गट्ठर है. वहां जब तुम छिलकर खाते होगे तो वहां कड़ा होता है, तो वहां अगर हम लोग मिट्टी में लगा दें तो कुछ दिनों बाद उस नोड से नया पौधा ग्रो कर जाता है. तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग पौधा के अलग अलग पार्ट से नया पौधा ग्रो कर जाता है. इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो यहाँ कुछ पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, ये पिक्चर आपको मदद करेगा समझने में. जैसे डालिया बेटा, डालिया ये तो आप डालिया फूल ऊपर में देखते हो, और अंदर अंदर जो डालिया का होता है जस्ट लाइक स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है. अंदर में छोटा छोटा जैसे लंबा लंबा आलू की तरह का शेप होता है, और इसका एक आध पार्ट को आप अदर प्लेस पर पुट अप करो, गड्ढा खोदकर, और वहां देखोगे कि नया प्लांट ग्रो हो जाता है. तो दैट मीन कि डालिया एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद कहते हैं हम लोग अपने घर में, उसको अलवा कहते हैं. तो यहां से रूट का छोटा छोटा अगर पार्ट हम काट लेते हैं तो वो दूसरी जगह पर नया प्लांट ग्रो कर जाता है. तो ये दोनों एग्जांपल है रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स. रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स मींस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड. यहां सीड की कोई जरूरत नहीं है, यहां सीड की कोई जरूरत नहीं है. यहां रूट जैसे मिला नया प्लांट ग्रो कर गया. अब देखो बाबू, यहां है क्या चीज, स्टेम, रोज का प्लांट है, और यहां से एक भाग को काट लिया, कटिंग किया हुआ पार्ट को आप देख रहे हैं. अब इस पार्ट को यहां वो सेट कर लिया मिट्टी में. ठीक, आफ्टर फ्यू डेज they can reproduce into a new plant. Yes, so that means this process helps to some plant they can reproduce with other part, that means stem helps to grow, reproduce into a new plant. Yes, तो यहां देखे कि रूट से नया प्लांट रिप्रोड्यूस हुआ, यहां देखे स्टेम से, विदाउट, यहां कोई सीड की जरूरत नहीं है, विदाउट सीड से यहां ग्रो कर गया. अब एक बात आती है, आलू बहुत कॉमन है, सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है. पोटैटो इज नोन एज किंग ऑफ द वेजिटेबल. और जब अगर कोई आपसे पूछे कि यह रूट है,
तो आपका आंसर होगा नो, पोटैटो इज द अंडरग्राउंड स्टेम. पोटैटो लाइक जिंजर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. याद रखना, ये थोड़ा सा है तो बिल्कुल सामान्य, लेकिन थोड़ा सा अगर मिस माइंड होते हैं तो मिस्टेक हो जाता है. तो याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरग्राउंड है, मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन इसका नाम ही, बाबू नाम से ही इसमें आंसर छुपा होता है, अंडरग्राउंड स्टेम. तो मींस याद, अगर कोई पूछे आपसे कि पोटैटो के पास रूट होता है, तो कहेंगे नहीं, पोटैटो के पास अंडरग्राउंड स्टेम होता है. आप इसका पौधा हम लोग के एरिया में इजीली वे में मिल जाता है. तो ये आप देख लिए कि ये आसानी से लाइक जिंजर, जिसको हम लोग घर में कहते हैं अदरक, मसाले में मम्मी चाय बनाती है, अलग अलग तरह के डिश में मसाला में प्रयोग होता है अदरक, जिंजर. और जिंजर अब उसके देखते होंगे घर में कि अगर बहुत ज्यादा जिंजर आ गया तो उसको मम्मी लोग, दादी लोग मिट्टी में लगा देंगे और कुछ दिनों बाद वो पूरे फैल कर, देखिए अलग अलग भागों में जिंजर बढ़ गया और उसका नया प्लांट जो बाहर लीफ स्टेम न्यू प्लांट में ग्रो हो गया. तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है. यहाँ पोटैटो का एग्जाम्पल बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप जानने के लिए उसको भी जानिए कि पोटैटो इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. यस, तो अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे. एंड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ. एक बड़ा महत्वपूर्ण टाइप है सम प्लांट्स. अब ये कॉमन अगर पूछा जाए कि सारे प्लांट में एक ही जैसा मेथड अप्लाई होता है, तो कहेंगे नहीं, हर प्लांट का अपना अलग रिप्रोडक्शन का वे है, मेथड है. अगर जहां सीड की बात आएगी तो वहां सिर्फ सीड से रिप्रोड्यूस होता है. सम पर्टिकुलर प्लांट्स दे कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कटिंग ऑफ स्टेम. सम प्लांट्स दे कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ओनली रूट्स एंड सम दे कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर लीफ. कुछ पौधा होता है खास जो सिर्फ अपना पत्ता से नया प्लांट ग्रो कर जाता है, इसका नाम है ब्रायोफाइलम. आप घर में शायद इसको पथलचूर के नाम से सुना होगा या नहीं भी सुने होंगे, आपके स्कूल ग्राउंड में ये पौधा है. कभी गौर करना, स्कूल कैंपस में जब आओगे तुम लोग तो इसके साथ मजा करना, एक्सपेरिमेंट करना कि उस पत्ते को तोड़िएगा और मिट्टी में लगा देंगे हम लोग, उसको एकाध सप्ताह, 5 दिन 7 दिन 8 दिन उसकी केयर करेंगे, दैट मीन प्रॉपर अमाउंट में उसको पानी देंगे, और आफ्टर 1 week 10 days दे कैन ग्रो, दे कैन चेंज इंटू अ न्यू प्लांट. हम देखेंगे कि वह जो पत्ता हम लगाए थे एक नए जगह में, वो एक नया पौधा में ग्रो कर गया. तो दैट मीन कि सब स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लीफ, मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू लीफ एंड देयर नेम इज ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम. तो यहां आप पिक्चर देखिए, आपके पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं. अब ये पत्ता बहुत मोटा सा होता है, जब उसको तुम छू कर देखोगे, टच करोगे, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्लैट नुमा होगा, और अगर जब आप टच करके देखेंगे तो अदर लीफ के कंपैरिजन ये काफी थिक होगा, स्मूदी होता है, चिकना होता है, छूने में बहुत मजा आएगा, लगेगा कि अन्य लीफ से ये डिफरेंट है, और अन्य लीफ के कंपैरिजन इसका गुण भी कुछ अलग है, इसका गुण भी खास है. खास मींस कि आप जान रहे हैं कि ये रिप्रोडक्शन करता है किससे, लीफ से. ना यहाँ इसको चाहिए सीड, ना चाहिए रूट, ना चाहिए स्टेम,
ये खास तरह का पौधा है और इस खास पौधा के लिए सिर्फ और सिर्फ ये अपने लीफ से नए पौधा को रिप्रोड्यूस करता है। तो मींस कि यह नाम इसका क्या है, ब्रायोफाइलम। हम लोग अपनी घर में इसको कह देते हैं पथल सूर। तो अब मुझे लगता है कि हमारे बच्चे को ये समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। रोज का एग्जाम्पल ले लीजिए, मेहंदी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाइना रोज का एग्जाम्पल ले लो आप, स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल लीजिए, जिंजर का एग्जाम्पल लीजिए, ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल लीजिए। तो हर प्लांट के लिए हम कुछ अलग देखते हैं। तो दैट मीन कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कोई कि ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ओनली सीड, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला हम लोग टॉपिक पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, तो वहां जो पौधा पर्टिकुलर सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है तो वहां आंसर जितना अगर उसके एग्जांपल आता है तो वो आंसर हमारा सही होगा। लेकिन अगर पूछ देगा कि रोज प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी आपने पढ़ा कि रोज प्लांट दे कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कटिंग ऑफ स्टेम, कटिंग ऑफ स्टेम, स्टेम को काटिए, नए जगह में लगाइए, नया प्लांट ग्रो कर दिया। मींस कि ये इसको सीड की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे को अब ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाय द वे परेशानी होगी तो आप मुझसे शेयर करेंगे। और बेटा आपका जो होमवर्क होता है पर डे का, ये होमवर्क आप मुझे ईमेल आईडी पर भेजोगे, और कहीं कोई परेशानी हो तो मुझसे आप जरूर शेयर कीजिए। मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बाय। और वीडियो को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाय।